नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मामला मंजौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुआ नंबर 1 का है, जहां पर चेतमणि गुप्ता का बिजली का बिल 1000 रुपए के आसपास आता है, जो हर महीने जमा कर रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूरे गांव का बिजली का बिल इस प्रकार से मंजौली जेई द्वारा भेजा जा रहा है। शासन द्वारा दिया गया लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। बिजली बिल के जरिए बिजली विभाग आम आदमियों से पैसा लूट रहा है। प्रशासन नहीं दे रहा है कोई ध्यान। कई बार शिकायत करने पर भी किसी प्रकार से मदद नहीं की गई। मंजौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुआ नंबर 1 का, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। मैं आपको बताते चलूं कि जैसे कि ये चेतमण गुप्ता हैं, इनकी बिजली की बिल कितना आई है, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। ये आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है इस समय? 900-1000 से आ रहा। आपकी मीटर खपत कितना है? 87 है। जैसे कि अभी 100 यूनिट से ज़्यादा में, शिवराज सिंह जी का कहना है कि अगर 100 यूनिट से ज़्यादा आता है तब उसमें बिजली बिल बढ़ाई जाए, और 100 यूनिट से कम में जिस तरह से बिजली बिल आता है उसमें 100-200 रुपए की बिजली बिल शिवराज सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कि मैं आपको बिजली का बिल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 867 रुपए है और टोटल खपत है 87 पॉइंट में ही यहाँ पे बिजली विभाग बिल्कुल लूट मचाई हुई है। और यहाँ के आम आदमी जो हैं, बिजली बिल देते देते बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। मैं आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। भैया, आप कितने सालों से इतना बिजली बिल पेट कर रहे हैं? ये जब से लॉकडाउन हुआ है। हाँ, इधर 15,000 अभी दिया हूँ इसके पहले, और ये फिर बिल आया है। आप बिजली बिल जमा करने कहाँ जाते हैं? यहीं से जमा कर देते हैं। ये बिजली बिल रीडिंग लेने कोई आता है आपका? अरे कभी-कभी। हाँ, यहाँ पे बिजली बिल का जो मीटर लगाया गया है, कभी रीडिंग लेने भी नहीं आते। अपने मनमानी से बिजली विभाग यहाँ पे बिजली बिल ज़्यादा बढ़ाकर भेज देता है, जिसको आम आदमी को भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि किसी प्रकार से कोई मशीनरी सामान का यूज नहीं किया जा रहा है, कोई चक्की वगैरह नहीं है, लेकिन एक चक्की वगैरह और मशीन का बिजली बिल सामने वाले पार्टी को दिया जाता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि चेतमण गुप्ता जो हैं, तो उनकी एक छोटी सी दुकान है और होटल है उनकी, लेकिन इनकी बिजली बिल हर महीने 1000 रुपये की आती है। और ये शासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो बिजली बिल है वो माफ़ कराइए। धन्यवाद, मैं पुलिस वाला जी, इससे रवि जायसवाल।